हेलो गाइस, मैं अल्टीमेट आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल अल्टीमेट 360 में। सो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ पैराशूट मैन एडवांस आफ्टर शॉवर हेयर क्रीम, कोको लिपिड फॉर्मूला, एंटी हेयर फॉल विथ आलमंड। ओके, सो ये क्रीम एंटी हेयर फॉल क्रीम है, ऐसा ये दावा करते हैं। सो देखिए इन्होंने पीछे क्या लिखा है। Give your hair the balance of nourishment and style every day with new Prachute Advanced Man Non-Sticky Hair Cream. Its unique coco lipid formula helps give hair nourishment while almond oil condition your hair and reduce hair fall up to 95%. Okay, as per external lab study in comparison with untreated hair. Okay, so ye मजबूत दावा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो मेन तीन इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और लास्ट है कोकोनट मिल्क प्रोटीन। यस, कोकोनट मिल्क प्रोटीन में ऐसे बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं हेयर ग्रोथ को, और जो आलमंड ऑयल होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और विटामिन के और बहुत सारे अदर मिनरल्स होते हैं जो हेयर फॉल को रोकने में और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और कोकोनट ऑयल जो बहुत ही डीप पेनिट्रेटिंग ऑयल है और लोग इसे सदियों से यूज़ कर रहे हैं अपने हेयर पे। सो कोकोनट ऑयल एक बहुत ही डीप पेनिट्रेशन देता है और बहुत ही अच्छा और यूज़फुल इन्ग्रीडियंट है हेयर फॉल कम करने के लिए। सो ठीक है, सो ये तीन सुपीरियर इन्ग्रीडियंट्स में कहूँगा ये तीन सुपीरियर इन्ग्रीडियंट्स इस क्रीम में है, और बाकी के जो भी केमिकल्स है वो इस क्रीम को अच्छा टेक्सचर, थोड़ी क्रीमीनेस, थोड़ी सिल्कीनेस और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देने के लिए सारे केमिकल्स है। बट जो दो केमिकल्स है जिनके इस क्रीम में होने से मुझे थोड़ी आपत्ति है, वो क्यों है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, और वो दो केमिकल कौन से है। सो यस, ये है वो केमिकल फिनोएक्स इथेनॉल और डाइसोडियम EDTA। बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स पे मैंने रिसर्च की और मैंने बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सेफ पाए, लेकिन ये दो इंग्रेडिएंट्स मुझे थोड़े खटके, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्यों मुझे ये इंग्रेडिएंट्स खटके हैं। सो फिनोएक्स इथेनॉल, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, थोड़ा फोकस कर दूँ। इस फिनोएक्स इथेनॉल हार्मफुल टू स्किन, used as an antibacterial in cosmetic and stabilizer in perfume. Phenoxyethanol is actually very harmful. Dekhiye, actually very harmful, khatarnak. It is harmful if swallowed, matlab inhaled, khaya jaye ya sunga jaye, or absorbed through skin, especially to nursing mother or infant. Phenoxyethanol can have an effect on brain and central nervous system. Dekhiye, फिनोएक्सिथेनॉल जो केमिकल है वो बेसिकली बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी है ये। और दूसरा ये है डाइसोडियम EDTA, इज़ नॉट वेल ऑब्जॉर्ब बाय द स्किन। इट हैज़ बीन शोन टू एनहेंस द डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ अदर इन्ग्रीडियंट्स कंटेनिंग इन द प्रोडक्ट। थस कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर मस्ट एक्सरसाइज, मतलब ये केमिकल डालते वक्त उस बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। व्हेन कंबाइनिंग इट विद अदर इंग्रेडिएंट्स पोटेंशियली हार्मफुल इफ ऑब्जॉर्ब बाय द स्किन। देखा, सो ये दो जो केमिकल है वो रियली में हार्मफुल है, लेकिन मैंने इन दोनों पे रिसर्च किए, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है,
लेकिन इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो जो वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सेट किया जाता है जो ह्यूमन को हार्मफुल ना हो। सो ये जो फिनोएक्सिथॉल है इसका कॉन्सेंट्रेशन 1% तक नहीं तो उससे कम भी रखा होगा इस क्रीम के अंदर। सो ये जो पैराशूट कंपनी है ये बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है और बहुत ही अच्छा गुडविल है इसका मार्केट के अंदर। सो इन दो केमिकल पर इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज करके अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ ही इस क्रीम में इसे इन केमिकल्स को विथ प्रॉपर फॉर्मुलेशन के साथ ही मिलाया होगा ताकि ये ह्यूमन स्किन को हार्मफुल इफेक्ट ना प्रोवाइड करे। सो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये जितने भी क्रीम्स होते हैं, हेयर क्रीम्स होते हैं और जितने भी जेल्स होते हैं, जितने भी मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप अपने बालों पे यूज़ करते हैं, हेयर वैक्स होते हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर मेरी माने तो उन्हें आप ओकेजनली यूज़ करें। ओकेजनली यानी अगर कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग है या किसी की शादी है या कोई भी एक इम्पॉर्टेंट ओकेशन है तो ये केमिकल्स बहुत ही मतलब ये जो मतलब क्रीम्स होते हैं, हेयर वैक्स होते हैं, जेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और यूज़फुल है। लेकिन फॉर एवरीडे यूज़ के लिए मैं पैराशूट कोकोनट ऑयल को इन सभी चीज़ों से सुपीरियर मानता हूँ।